भारत के बाद अब पाकिस्तान भी नोटबंदी की राह पर चल पड़ा है। पाकिस्तान की संसद में 5,000 रुपए के नोट को बंद करने का प्रस्ताव रखा गया, जिसे सांसदों ने बहुमत से पास कर दिया है। दरअसल पाकिस्तान मुस्लिम लीग के सांसद उस्मान सैफुल्लाह खान ने संसद में यह प्रस्ताव रखा था, जिसे बहुमत से पारित कर दिया गया है। पाकिस्तानी अखबार डॉन की माने तो सरकार के इस कदम से 5,000 रुपए के नोट वापस लिए जाने से बैंक खातों के इस्तेमाल को प्रोत्साहन मिलेगा। इसके अलावा काले धन की कमाई पर रोक लग सकेगी। हालांकि पाकिस्तान में यह नोटबंदी भारत की तरह एक साथ लागू नहीं होगी, इसे 3 से 5 साल में चरणबद्ध तरीके से लागू किया जाएगा। कानून मंत्री जाहिद हामिद के मुताबिक देश में नोटबंदी से बड़ी समस्या सामने आएगी। इसके बंद होने से लोग विदेशी मुद्रा रखने लगेंगे। फिलहाल पाकिस्तान में लगभग 3.5 लाख करोड़ रुपए के नोट बाजार में है। इनमें से करीब 1.25 लाख करोड़ रुपए के 5,000 के नोट है। माना जा रहा है कि पाकिस्तान में पेश किया गया यह प्रस्ताव भारत में की गई नोटबंदी से प्रेरित है। 8 नवंबर को पीएम नरेंद्र मोदी ने 500 और 1,000 रुपए के पुराने नोटों को बंद किए जाने का ऐलान किया था। तो भारत के बाद अब पाकिस्तान में भी जल्द नोटबंदी की जाएगी। भारत में तो हाल बेहाल है, अब पाकिस्तान में इस नोटबंदी से लोगों पर क्या असर पड़ेगा यह फिलहाल देखना बाकी रहेगा। देखते रहिए डीबी लाइव।